यार मैं कैंची लाना भूल गया, जाओ प्लीज को कैंची लेकर आओ। हाँ मगर हमने तो अभी टेबल भी नहीं सेट किया, जल्दी करो जल्दी करो। हे जंकुक जल्दी से हमें कैंची दो। ओ, तुम लोग मेरी मदद के लिए आए हो? अरे वो बिना कैंची लिए ऐसे पका रहा है। अगर इसमें ज्यादा पैकेट डालूं क्या ज्यादा देर तक पकाना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, दो पैकेट के लिए तुम्हें 4 मिनट तक पकाना पड़ेगा। ओ वाओ, मेंबर्स हमारी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि ये लोग बहुत काइंड हैं। ये लो कैंची आ गई। बिना ही कैंची में ग्रिल करने लगे इसको। मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं। हे जिमिनी, मैं हूँ तुम्हारा भाई। चलो आज एक साथ मिलके गोश्त काटते हैं, वरना ये ज्यादा पक जाएगा। ये ऑलमोस्ट पक चुका है। नहीं, ये अभी नहीं पका। इसी वजह से तो पिछली बार हमारे पेट में दर्द हुआ था। जिन भाई, क्या हम इसमें चिली पेपर्स या कोई वेजिटेबल्स वगैरह डालें? प्याज और लहसुन वगैरह तो हमारे पास है। और नहीं, हम इसमें प्याज नहीं डाल सकते, वो सिर्फ जापानीज रामेन में डालते हैं। चावल कहाँ पर है? वो तो नामचिन पका रहा है ना। नामचिन भाई इसका ढक्कन खोल के गए हैं। क्या हो गया? मुझे खुद ही कर लेना चाहिए था। कुछ लोगों को ये पसंद होता है और कुछ को नहीं पसंद होता। यहाँ पर हर तरह के लोग होते हैं। ये देखो, ऐसे कौन करता है चावलों को गर्म? ये तो बहुत गर्म है। बस ये मेरी आखिरी है, ग्रिल पक चुकी है। क्या मतलब इसे थोड़ा और पकाओ अभी? लगता है ये गोश्त थोड़ा डिफरेंट है, मुझे थोड़ा और पकाने दो इसे। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम बोर हो रहे हो? नहीं तो पकड़ो और मुझे फॉलो करो। जाओ उसको पकड़ो और इसको फॉलो करो। जाओ, सलाद लाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने इसको ढक दिया है। गोश्त अच्छे से पकाया है ना तुम लोगों ने? तुम्हें हम पे यकीन नहीं, हम अच्छे से पका रहे हैं इसको। हाँ बिल्कुल, ये पक चुका है बस। मैं चावल लाता हूँ वरना वो ठंडे हो जाएंगे। मैं चावल लेने आया हूँ। हाँ वो पक चुके हैं, अब पानी उबल रहा है। तुम अकेले लग रहे हो इसलिए मैं यहाँ आ गया। मैं अकेला नहीं हूँ डूड, झूठ मत बोलो। मुझे पता है कि तुम्हें कंपनी पसंद है, मैं जानता हूँ। वाह, अमेजिंग चीज तो अब आई है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मेरे अंदर बहुत सेंस है। तो कुक शेफ के टिप्स है कि इसको बिना ढक्कन के पकाना ज्यादा बेहतर होता है। मैं यहाँ पर सब्जी लेने आया हूँ। सब्जी कहाँ पर है? शेफ भाई, वहाँ पे क्या हो रहा है? क्या खाना पक चुका है? हाँ बस पक ही गया है। शेफ जंकुक अपने डिलीशियस रामेन के लिए फेमस है। मेरी रामेन टिप से अगर ये उबल रही है तो इस पर ढक्कन ना दो। मगर तुमने तो दिया है। हाँ तब तो पानी उबल रहा था। तुमने तो कहा था इस पे ढक्कन नहीं देना। वो आखिर में देते हैं। सुमिचा रंचुंग ना पा, सुमिचा रंचुंग ना पा। ओ जीवे। मैं चावल ले आया। ओके गुड। जाजिन आज तो आराम कर लो तुम। हाँ तुम हमेशा ही हमारे लिए पकाते हो। ओह या या मियाने मियाना। वाव, ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। क्या हुआ? मेरा खाना परफेक्ट बना है। ये बहुत ही डिलीशियस है। ये लो गरमा गरम रामेन आ गई। तुम्हें क्या किसी को चॉपस्टिक चाहिए? हे, क्या किसी को चॉपस्टिक चाहिए? ओके। वाव, ये बहुत मजे का है। ये खा के देखो। वाव, रामेन बहुत डिलीशियस है। जब हम बाहर खाते हैं तो रामेन का टेस्ट बेहतर हो जाता है। हाँ जी, और बारबेक्यू बहुत मजे का है। बहुत शुक्रिया। 6 रामेन काफी नहीं है, हमें 14 चाहिए थी क्योंकि एक बंदा 2 प्याले खा रहा है। इसको देखना जरा, ये तो बहुत क्रिएटिव है। तो तुम लोग क्या चम्मच इस्तेमाल कर रहे हो? तुम्हें देखने के बाद अब बिल्कुल भी नहीं। हे जरा ध्यान से पकते हुए नमक ऊपर चलता है। हाँ तो तुम उसे पकड़ लो। ओह नो।